हेलो फ्रेंड, दिस इज राजेश सर। इस बार मैं जो आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ दैट इज फ्रॉम द कॉस्ट अकाउंटिंग और ये है इन्वेंटरी मैनेजमेंट का टॉपिक। हम लोग कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, राइट? मतलब एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग और उस क्वेश्चन को अभी हम लोग आपके स्क्रीन पे सॉल्व करके दिखाएंगे किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों, शुरू करने के पहले मैं आपको एक चीज पहले क्लियर करा देता हूँ। इन्वेंटरी मैनेजमेंट के अंदर में दो सेगमेंट में क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, दैट इज टू टाइप्स। यू नो द वन टाइप इज ऑल अबाउट ईओक्यू, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और सेकेंड टाइम इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन ऑफ लेवल्स, रीऑर्डर लेवल, डेंजर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज लेवल। सो वो वाले टॉपिक के भी वीडियोस मैं आपके लिए बनाऊंगा। अभी फिलहाल मैं आपके लिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वाला टॉपिक लेके आ रहा हूँ। दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं अभी हमारे सामने एक क्वेश्चन है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। व्हाट? अच्छा, ठीक है। आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर पहले मीनिंग तो सिखा दो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। तो दोस्तों, आप मेरे कुछ चैनल पे जाइए, उसमें एक वीडियो मिलेगा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेंटरी मैनेजमेंट। उस वीडियो में आप ये टॉपिक देख लीजिएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेंटरी मैनेजमेंट। फिलहाल तो मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलाता हूँ और क्वेश्चन पे जाते रहते मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये क्वेश्चन क्यों और कैसे बना, राइट, विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्वेश्चन कि हम ये ईओक्यू क्यों निकालते हैं, ये आपको क्वेश्चन में ही क्लियर हो जाएगा। पढ़े तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं ईओक्यू का क्वेश्चन क्या है, फिर मैं आपको कैलकुलेट करते हुए उसका मीनिंग भी समझा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है कि इन्होंने लिखा है कि कंपनी का क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, डिमांड फॉर अ चाइल्ड साइकिल एट बेस्ट बाय इज 500 यूनिट पर मंथ। मतलब कि मार्केट में 500 साइकिल की पर मंथ डिमांड चल रही है, पर मंथ। दैट मीन टू से अगर मेरी कंपनी है और हम लोग अगर साइकिल्स खरीद रहे हैं तो 500 साइकिल पर मंथ खरीदी जा रही है, तो हमारी कंपनी का या हमारे ऑर्गेनाइजेशन का या हमारी फैमिली की डिमांड क्या है? 500 यूनिट पर मंथ, मतलब साल का डिमांड कितना हो जाता है? 6000 यूनिट। ओके ओके, 6000 यूनिट मतलब कंजम्पशन रिक्वायरमेंट इज 6000 यूनिट। बेस्ड बाय इंकर्स अ फिक्स्ड ऑर्डर प्लेसमेंट ट्रांसपोर्टेशन एंड रिसीविंग कॉस्ट इज 4000 ईच टाइम एन ऑर्डर इज प्लेस्ड। दोस्तों, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है। एक्चुअली ये क्वेश्चन पढ़ने के पहले हल्का सा मीनिंग समझा देता हूँ, व्हाट इज ईओक्यू। दोस्तों, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब होता है कि अगर आपकी फैक्ट्री है और आपकी फैक्ट्री के अंदर में मटेरियल कंज्यूम किया जाता है, आपको उस प्रोडक्शन के लिए मटेरियल लगेगा, तो जब आप मटेरियल ऑर्डर करते हैं तो आप कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर करेंगे, कितनी क्वांटिटी आपने ऑर्डर करनी चाहिए सो दैट कि आपको एग्रीगेट खर्चा एंड एक्सपेंसेस जो साल का है वो आपको कम से कम लगे, यानी कि स्पेंडिंग कम हो जाए। इस हिसाब से हम लोग ईओक्यू यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का ऑर्डर करते हैं। तो यही हम लोग इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करेंगे कि इस कंपनी ने कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर देना चाहिए सो दैट कि उस कंपनी को आने वाला खर्चा, चाहे वो उसको होल्ड करने का हो या ट्रांसपोर्ट करके लाने का हो, परचेज का हो, व्हाटएवर, तो ये ओवरऑल खर्चा रिड्यूस हो जाए, तो उतनी क्वांटिटी हमको फाइंड करनी है। तो फिलहाल ये क्या कर रहे हैं, तो ये उन्होंने हमारे सामने एक एग्जाम्पल सैंपल के तौर पर बताया है कि 500 रुपए की डिमांड हो रही है, मतलब 500 क्वांटिटी की डिमांड हो रही है हर महीने, तो हर महीने 500 क्वांटिटी की ये लोग डिमांड कर रहे हैं। लेकिन ईओक्यू में हम कुछ और क्वांटिटी निकालने वाले हैं, ओके, और इनको सजेस्ट करने वाले हैं कि 500 की क्वांटिटी ऑर्डर ना करें, इतनी इतनी क्वांटिटी आप ऑर्डर करें। तो दोस्तों देखो, डिमांड फॉर अ चाइल्ड साइकिल एट अ बेस्ट बाय इज 500 यूनिट्स पर मंथ, बेस्ट बाय इनकर्स अ फिक्स्ड ऑर्डर प्लेसमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड रिसीविंग कॉस्ट इज 4000 ईच टाइम एन ऑर्डर इज प्लेस्ड। यानी हर ऑर्डर में आपको 4000 रुपए का खर्चा लग रहा है। अगर मैं फिलहाल 500 की अगर डिमांड कर रहा हूँ या 500 क्वांटिटी मंगा रहा हूँ तो मुझे एक ऑर्डर में 4000 रुपए का एक्सपेंडिचर हो रहा है, दैट इज माय ऑर्डरिंग कॉस्ट। दोस्तों, इसमें तीन कॉस्ट इंपॉर्टेंट होती है, याद रखिएगा, एक होता है आपका परचेस कॉस्ट, एक होता है आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट और एक होता है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट जो आगे आने वाला है, देखिए, ईच साइकिल कॉस्ट ₹500 एंड रिटेलर हैज होल्डिंग ऑफ 20%। उसने ये जो सेंटेंस लिखा पहले उसको समझ लेते हैं, ईच साइकिल कॉस्ट इज 500, ये दोस्तों साइकिल की कीमत है, कॉस्ट 500 की। अच्छा ठीक है, डोंट माइंड, ये 500 रुपए की भी कोई साइकिल आती है सर, टॉयज पकड़ लीजिए आप, कोई इशू नहीं है, टॉयज पकड़ लीजिए, ओके। तो 500 रुपीज का ये साइकिल का कॉस्ट है, ये यूनिट कॉस्ट है, दिस इज नॉट ऑर्डरिंग कॉस्ट, दिस इज यूनिट कॉस्ट, यानी कि एक साइकिल इतने रुपए में हमको पड़ रही है। कितने में पड़ रही है हमको? 500 में पड़ रही है। इसका एक रोल होता है हमारे कैलकुलेशन में, बस एक ही रोल है, उस रोल को मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा आपकी स्क्रीन पे विद क्वेश्चन एंड आंसर आपको डिस्प्ले हो रहा है, बट इट एंड रिटेलर हैज होल्डिंग कॉस्ट ऑफ 20%। अब दोस्तों, होल्डिंग कॉस्ट क्या होती है?
कोई भी बंदा अगर अपने घर में सपोज सब्जी भी लेके आता है तो कहाँ रखता है? फ्रीज में रखता है। फ्रीज में रखने के बाद क्या होता है? फ्रीज में रखने के बाद उसको स्टोरेज लगेगा, बोले तो इलेक्ट्रिक बिल लगेगा फ्रीज का, मेंटेनेंस कॉस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट। जिस लाइक अगर आप किसी भी रिटेल शॉप में जाते हैं तो अगर वो पानी की बॉटल भी बेचते हैं तो याद रखिए कुछ कुछ शॉपकीपर क्या करते हैं, अगर वो बॉटल की कॉस्ट उसको 10 रुपए पड़ रही है तो वो 11 में बेचेगा, बोलेगा कि 1 रुपया उसका मेंटेनेंस कॉस्ट है। यानी किसी भी गुड्स को आप खरीदते हो तो उसको आपको स्टोर करना होता है, तो स्टोरेज के पीछे बड़ी बड़ी कंपनियों को अलग अलग खर्च आते हैं, कोल्ड स्टोरेज, देन गार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, यू नो मेनी थिंग्स आर देयर टू मेंटेन द स्टॉक इन द फैक्ट्री। तो दैट इज वी से कैरिंग कॉस्ट, यानी गुड्स को कैरी करके रखना, दैट इज वी नीड टू स्पेंड अ कॉस्ट फॉर दैट। अब ऑर्डर करोगे तो गुड्स भी मेंटेन करनी पड़ेगी, उसके पीछे भी खर्च आएगा। तो हम सारे खर्चे को कैलकुलेट करके एक अमाउंट निकाल रहे, एक यूनिट निकाल रहे, कितनी यूनिट मंगा लो तो आपको कॉस्ट कम लगेगी। तो दोस्तों फिर से एक बार मैं आपको हाईलाइट कर दूं, परचेस कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, ये 3 कॉस्ट याद रखिएगा जिसका हमको फार्मूले में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त यूज होता है। बट अब कैरिंग कॉस्ट आपको समझ गया होगा, अच्छा ठीक है, इसने परसेंट में दिया है दोस्तों, और ये 99% में आपको बता देता हूँ क्वेश्चन में हमेशा परसेंट में आता है। परसेंट यानी एस्टिमेटेड, यानी कि अगर एक यूनिट 500 का है तो इनको एक यूनिट को मेंटेन करने के लिए, कैरी करने के लिए 20% यानी कि 100 रुपये लगेंगे, यानी इनको एक यूनिट को मेंटेन करने के लिए 20% यानी 100 रुपये का खर्चा आएगा। बोलेंगे सर इतना खर्चा होता है क्या? अरे सर बड़ी फैक्ट्री के और बड़ी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, आप छोटे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचिए। आप उन लोगों को 20% मतलब 500 की गुड्स मेंटेन करने के लिए 100 क्या 200 का भी खर्च आ सकता है, क्योंकि उनका मेंटेनेंस बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़े फैक्ट्री, बहुत बड़ा रेंट जा रहा होता है, इवन रेंट को भी कैलकुलेट करेंगे हम कैरिंग कॉस्ट में, गोडाउन का रेंट, ओके। तो सारे एलिमेंट्स जो उस गुड्स को स्टोर करने के लिए लग रहे हैं, जो खर्चे लग रहे हैं, वो सब मिलाकर ये एवरेज होता है। दिस इज व्हाट कि 20%, तो मैंने आपको जैसे बोला कि हमेशा कैरिंग कॉस्ट आपको 20% देगा, याद रखना उसे 20% हमेशा हम यूनिट कॉस्ट पे निकालते हैं, यूनिट कॉस्ट, ये पूरा परमानेंट याद रखिए आप इस चैप्टर के लिए, यूनिट कॉस्ट पे कैलकुलेट करना है। तो सो यहां लिखा हुआ है evaluate number of cycles that the store manager should order in each replenishment lot. आपको जब जब lot factory में लाना है तो आप कितनी quantity से लाएंगे, यानी कितनी cycle आप order करेंगे, वो calculate करो। अच्छा ठीक है, ये question आपको as a store manager पूछा गया, reason क्या है? क्योंकि आप manager हो तो आपको manage करना है कि आपका order जो है ना वो कम से कम खर्चे में आ जाए, तो बस वो ऑर्डर क्वांटिटी हमको बतानी होती है, और दैट मैनेजमेंट इज इफेक्टिवली यूज इन द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप किराना शॉप वाले हो, आप उस ईओक्यू का मैनेजमेंट नहीं करते, ईओक्यू इस्तेमाल नहीं करते, आप अगर छोटे व्यापारी नहीं करते, बड़े बड़े लोग ईओक्यू को फॉलो करते हैं क्योंकि उनके खर्चे यहाँ बचते हैं। तो ये क्वांटिटी हमको निकालनी कि एक समय में इतनी क्वांटिटी का ऑर्डर करें तो ज्यादा बेस्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो दैट नंबर ऑफ क्वांटिटी वी आर गोइंग टू फाइंड। ओके, तो दोस्तों देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे देखिए, आपकी स्क्रीन पे आपको फार्मूला दिख रहा है, फार्मूला ईओक्यू का क्या लिखा हुआ है? ईओक्यू का फार्मूला लिखा है अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय ओ अपॉन सी। ओके, अच्छा ये फार्मूला देख लिया आप लोगों ने, प्रीफिक्स फार्मूला है ईओक्यू का, व्हाट इट, तो ईओक्यू मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल्स टू अंडर रूट और 2 मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय ओ डिवाइडेड बाय सी। अच्छा दोस्तों इस फार्मूले में आप देख रहे होंगे कि ये 2 क्या है, 2 तो बाय डिफॉल्ट उन्होंने दिया हुआ है, जो उन्होंने फार्मूला बनाया हुआ है, जिन्होंने भी फार्मूला डेवलप किया हुआ है। ए क्या है? ए आपका एनुअल कंजम्पशन है, यानी आपके फैक्ट्री में रॉ मटेरियल कितना लगता है साल भर। हमेशा याद रखना कि इस फार्मूले में साल भर वाला कंजम्पशन रिक्वायर्ड होता है, यानी हमको साल भर कितने रुपए कितनी क्वांटिटी का मटेरियल लगता है, क्वांटिटी आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट द रुपीस। तो हमको साल भर कितनी क्वांटिटी लगती है उसको हम लोग बोलते हैं ए, ए फॉर एनुअल कंजम्पशन। फिर है मल्टीप्लाइड बाय ओ, आप स्क्रीन पर देखिए ओ, ओ मींस ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो फ्रेंड्स आप एक ऑर्डर जितने में मंगाते हो ना उसको मंगाते वक्त जो खर्च लगता है, क्वांटिटी का खर्च नहीं, उस ऑर्डर को मंगाने, जैसे कि अगर मैं सपोज एक्स वाई जेड प्लेस से कोई चीज लेके आ रहा हूँ तो मुझे लाने के लिए उसके 50 रुपए लग रहे, रिक्शे वाला 50 लेगा या गाड़ी वाला 100 लेगा, तो वो दैट 100 और 50 विच आई रिक्वायर टू पे विच आई हैव टू पे दैट इज नोन एज ऑर्डरिंग कॉस्ट। अच्छा ठीक है, ये हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय ओ, देन डिवाइडेड बाय फार्मूले में चेक करिए सी लिखा हुआ है, व्हाट इज दैट सी इज कैरिंग कॉस्ट। अच्छा कैरिंग कॉस्ट मैंने आपको क्या बताया था, मेंटेनेंस कॉस्ट, स्टोर गुड्स को स्टोर करने की कॉस्ट, उसको हम बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट, करेक्ट। अच्छा ये कैसे निकलता है, अब हम लोग देखते हैं
नेक्स्ट इसमें। तो नेक्स्ट स्टेप अभी आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही है, अब स्क्रीन पर देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने वैल्यू पुट करी हुई है। तो EOQ इक्वल्स टू रूट टू, वैसे की वैसे बाय डिफॉल्ट अपने को सेट करके रखना है टू इन टू, व्हाट इज दैट, ए, ए मींस एनुअल कंजम्पशन। चलो दोस्तों क्वेश्चन पे नोटिस करिए, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, क्वेश्चन में पहली लाइन पढ़िए, पहले लाइन में लिखा हुआ है कि उन्होंने डिमांड कितनी कर रहे थे ये लोग, 500 क्वांटिटी पर मंथ। तो साल के हिसाब से देखना है अपने को, तो एक महीने का 500, तो साल की कितनी क्वांटिटी होती है दोस्तों, 500 मल्टीप्लाइड बाय 12, 6000 यूनिट। तो उस तरीके से हमारे आंसर में हमने 6000 यूनिट यहां पे मेंशन करे हुए हैं, गॉट इट। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 6000 मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब दोस्तों ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या था, क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं आपके सेकंड लाइन में लिखा हुआ है, दैट इज 4000 ईच टाइम एन ऑर्डर। तो 4000 दिया है, एक ऑर्डर का ही आपको यहाँ पे कॉस्ट लिखना होता है, तो एक ऑर्डर का ही कॉस्ट आपके क्वेश्चन में दिया होता है, तो दैट 4000 विल प्लेस हियर। तो ओ की जगह पे हमने 4000 रख दिए, गॉट इट। अब बारी आती है सी कैसे कैलकुलेट होगा। जैसे कि मैंने आपको थ्योरी में अभी डिस्कस करते करते सिखा दिया कि कैरिंग कॉस्ट मतलब एक यूनिट को कितना कैरिंग कॉस्ट लगेगा, कितना मेंटेनेंस कॉस्ट लगेगा, तो उन्होंने बोला है 20% लगेगा। अच्छा ठीक है, वो कितने रुपए, इस बार रुपए मेंशन करना है यहाँ पे, तो 20% किस पे निकालना है, मैंने आपको क्या बताया था, आपकी सेकंड लाइन में नोट करिए, आप चेक करिए, ईच साइकिल कॉस्ट इज 500, आप देख सकते हैं मैंने हाईलाइट कर रखा हुआ है। तो 500 रुपए का खर्चा आ रहा है आपको एक यूनिट खरीदने पे, तो 500 के पीछे 20% निकाल लीजिए आप, तो 500 का 20% कितना होता है 100 रुपीज। तो फार्मूले में हमने 500 मल्टीप्लाइड बाय 20% आपको डिस्क्लोज करा हुआ है, यानी इसका सोल्यूशन निकलेगा 100। अब ये पूरे इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो कैसे करना है, पहले ऊपर मल्टीप्लाइड कर दो, ये आपको आता होगा मुझे मालूम है, जो लोग एक्सपर्ट यहाँ बैठे हैं वीडियो में उनको मैं सॉरी बोल रहा हूँ कि मैं ये चीज समझा रहा हूँ, और जो लोग बेचारे एवरेज है मेरे जैसे जो स्टूडेंट है मैं उनको सिखा देता हूँ कि ऊपर हम लोगों ने पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर नीचे 100 रुपीज निकालना है, फिर हमको रूट में ही डिविजन कर लेना है, डिविजन करने के बाद फाइनली रूट सॉल्व करना है। यानी सपोज ऊपर जो भी एक्स वाई जेड वैल्यू आती है उसके बाद उसको डिवाइड करो 100 से, फिर जो अमाउंट आएगा उसको रूट प्रेस करके, रूट प्रेस करके आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, एक अमाउंट आएगी जो है 693 यूनिट्स, आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे 693 यूनिट्स हमारा आंसर आ गया। अच्छा दोस्तों ये आंसर क्या निकला, फिर से एक बार वापस बता रिकॉल करा देता हूँ, ये निकला EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी 693 यूनिट्स, यानी कि 693 यूनिट्स अगर हम लोग ऑर्डर करते हैं एक बार में। अब आप क्वेश्चन कर सकते हो कि ये सब साल का ऑर्डर है कि ये सब महीने का ऑर्डर है। दोस्तों पहले आप बात समझो, इस क्वेश्चन के मुताबिक आपका एनुअल कंजम्पशन मंथली 500 है, तो एनुअल कितना है 6000 है, तो 6000 क्वांटिटी साल भर आपको लगती है, तो आप 6000 क्वांटिटी एक साथ मंगाओगे तो महंगा पड़ेगा, आप 3000 करके मंगाओगे महंगा पड़ेगा, आप 1000 करके मंगाओगे महंगा पड़ेगा। ये भाई साहब तो 500 मंगा रहे, आपको तो स्क्रीन पे दिख रहा है 500 मंगा रहे मंथली ये लोग, तो आपको महंगा पड़ेगा। तो हमारा मैनेजमेंट कैलकुलेशन क्या बोलता है, हमारा कैलकुलेशन बोलता है 693 यूनिट मंगाओ, तो आप ऐसे 693 बार बार ऑर्डर करें जब तक 6000 यूनिट का कंजम्पशन आपका नहीं हो जाता तब तक। तो ये क्वांटिटी मंगाएंगे ऑर्डर करेंगे तो आपको एक्सपेंस भी कम लगेगा। ये मैं आपको आने वाले थर्ड क्वेश्चन में कैलकुलेट करके बताने वाला हूं, जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो अभी उसके लिए बनाऊंगा, तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि EOQ से एक्सपेंसेस कैसे कम निकलते हैं। ओके, वहां पे कंपैरेटिव स्टडी होगी कि अगर मैं 500 को ऑर्डर करता हूँ और 693 को ऑर्डर करता हूँ तो कंपैरेटिवली एक्सपेंस कहाँ कम और कहाँ ज्यादा आता है, वो उस वीडियो में हमारा डिस्कशन होने वाला है। गॉट इट। तो दोस्तों आप उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ गया होगा, अगर आपको ये समझ गया है तो लाइक करिए, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको काफी अच्छे से समझ आ रहा है, और अगर कोई दिक्कत है प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली कमेंट करिए आप, और उस कमेंट का मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा, आई एम ऑलवेज वेटिंग फॉर योर कमेंट। और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो, रिक्वेस्ट लिख दीजिए, मैं आपको रिक्वेस्ट अपलोड कर दूंगा। और आप स्टडी वॉलेट एप्लीकेशन फ्रॉम द प्ले स्टोर डाउनलोड करना मत भूलिए, स्टडी वॉलेट एक बार डाउनलोड कर लीजिए, इसमें पूरा आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो रहा है राइट फ्रॉम द 9th स्टैंडर्ड टू द एंड ऑफ CA फाइनल। गॉट इट। सो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ चुका है, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। मैं आता हूँ अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू।